फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़ी फैमिली एंड फूड व्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, अभी ये व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे छोटे भाई भाभी आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, अभी ये कंफर्म नहीं है कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रहे, वीडियो कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं और बोल रहे हैं नॉर्मली कि हम आ रहे हैं, हम यहीं हैं देहरादून में। तो देखते हैं अभी कि वो आए कि नहीं। अगर आएंगे तो मैं आपको आगे सारी अपडेट दूंगी और आपको दिखाऊंगी कि वो कब पहुँचे। ओके, बाय गाइस। अभी आपको पता है भाभी का फ़ोन आ गया था पापा को कि हम लोग मार्केट पहुंच गए हैं और आप पूछो को बिल्कुल मत बताना, और उन्हें लगा कि पापा घर पे नहीं हैं, लेकिन अभी मतलब वो पहुंचने ही वाले हैं, तो उनके लिए भी सरप्राइज़ होने लगा कि मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे सब पता है। अभी देखते हैं क्या होगा, मैं आपको जल्दी आगे दिखाती हूँ। मुझे पता था कि तुम लोग आ रहे हो। यस, क्योंकि मुझे पता था कि तुम लोग आ रहे हो, पर हमने तब भी अपने अपनी झूठ को झूठ ही रखा। नहीं, ये देखो पापा ने बता दिया होगा। पापा तो यहीं पे थे, पर मुझे पहले से ही नहीं था पता। मुझे बाहर की पापा ने ये बोला कि पापा ने बोला मैं बाहर हूँ दुर्गापुरी। हाँ, पापा ने कहा मैं जा ही रहा हूँ। हेलो गाइस, देखा आपने? देखो तो आ रहे हो। पापा ने बताया? नहीं नहीं, मैंने ही बोला। इसको क्या हो गया? गले लगो, ठंड हो रखी है यहाँ पर। सरप्राइज तुम्हारे लिए। मेरे पता था, बताया तो था। वैसे तो दो तीन दिन से बोल ही रही थी कि 25-26 को आ जाए। अच्छा, आज तुमने एक भी टाइम कॉल नहीं की ना? नहीं, तो मैं चाची के यहाँ गई थी ना, फिर तब सुबह सुबह गई थी। तो गाइस, ये पहुँच गए हैं। पूरी मार्केट से लेके यहाँ तक अंधेरा, लाइट नहीं है। सो गाइस, ये लोग पहुंच गए हैं आज देहरादून से कोटद्वार, और इनका सरप्राइज जो कि मैंने फुसफुस कर दिया, तो तब भी अगर हम सीधा यहाँ से गायब हो जाए। कहाँ चिंची वाला? ये है, ये मैंने ही खाना है ना, तो वो तो मेरी वाली चिज्जी। इतने थले कपड़े का ये तो कमी जो है, है। चिज्जी तो मेरी चिज्जी, गिव मी माय चिज्जी। वो है बैग, उधर उधर है कोने पे। कुछ नहीं है तुम्हारे वैसे, चिज्जी कुछ नहीं लाए। कुछ ही नहीं, शर्म नहीं आई, खा लिया था। टाइम से आना, मैंने कबाब खाना था। वीडियो बना है। मेरी तो मेरी चिज्जी में कुछ भी नहीं खा रहे तुम। कुछ भी नहीं खा रहा तुम, तो इसीलिए तो नहीं लाया हम कुछ। हमने यही तो चिज्जी हो रही खाने। क्या ये चिज्जी खाओगी? अच्छा, खुशी का लड़ी मैं क्या करता बदरा देहरादून में। क्या नाम था वो? कुमार। हैंड वॉश किया तुम लोगों ने? मैंने किया, इतने नहीं किया। क्या हाथ बोले बोले दिखाओ।
लोगों ने खाना खा लिया है, तो अभी हम खा रहे हैं गाजर का हलवा और बैठे हैं अभी अभी हम गिफ्ट्स भी देखेंगे मिले क्या क्या लाए हैं। मैं देखूंगी कि ये लोग मेरे कुछ लाए भी है कि नहीं लाए। इनके बैग में जो भी होगा मैं सारा उठा के अपनी अलमारी में डालने वाली हूँ। ठीक है ना, मेरे लिए चॉकलेट आई है, चॉकलेट मिठाई आई है, चॉकलेट के साथ मिठाई आई है। क्या क्या बोला तूने? ए पहले क्या बोला? चल चल चलो, चॉकलेट अलग होती है, चॉकलेट मिठाई अलग होती है। तुमने दोनों काम एक ही में कर दिया, बहुत तेज दिमाग लगाया। ये सही में बहुत ज्यादा दिमाग लगाया। काजू कतली लेके आ रहे थे पर वहां पर दुकान वाले अंकल ने कहा किसके लिए ले जा रहे हो? हमने कहा एक ब्लॉगर है उसके लिए ले जा रहे। उन्होंने साफ मना कर दिया। मैं उसी का वेट कर रही थी कि मेरी फेवरेट काजू कतली आ रही है। मैंने बोला भी तुम्हें ना कि काजू कतली है ना? नहीं, हम काजू कतली देख रहे हो। हाँ देखा, आपके हाथों में तो जादू है। तुम कुछ कह रहे थे? क्या हलवा कैसे बना है? अच्छा बनाया तुमने। थैंक। वाह, थोड़ी नहीं इलायची कम होगी, तुमको मंगवाई थी ना इलायची। यू वैसी बनवाई जैसे उस दिन तुमने वहां बनाया था ना। तुम तो बहुत सूप वाला पीती हो ना हलवा, मुझे अच्छा लगता है वो। तो ये तुमने थोड़ा बनाया, तो मैंने बनाया। सो भाई साहब बताने वाले हैं कि हलवा कैसा बना है। उनकी बीबी ने हलवा कैसा बनाया। अच्छा हो रहा है और बहुत लजीज हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये दूध दूध में पकाया होगा। मेरे हाथ तो नहीं चूमने। चूमने एक सेकंड। मम्मी ने बहुत सही बात बोली। सो दोस्तों अभी हम सब लोग बस सोने जा रहे हैं, तो मैं आ गई हूँ अपने बिस्तर में और व्लॉग को मैं यही एंड करूंगी। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट। Thank you.